समस्त पिलामानंकु हरिओम। आस आरंभ करिबा आजिर बाल संस्कार केन्द्र। सर्वप्रथमे पिलामाने सम्मानित बापूजीक सी चित्रंक आगरे प्रणाम करंतु। जेतेबेले सेमाने प्रणाम करिबे सेतेबेले सेमाने अनुभव करिबे जे पूज्य बापूजी आम मध्यरे अछंती एवं व्यासपीठरे विराजमान करिछंती। प्रथमे आमे आमर पंजा द्वारा डेईबा। एही डेईबा द्वारा आमर उभय स्वर सूर्य एवं चंद्र समान भावरे गति करिबा आरंभ करिबे, जहाँ मध्यम नाड़ी सुषुम्ना द्वारा खोलिबारे सहाय्य करे एवं डेईबा द्वारा अलस्वामी एवं निद मध्य दूर हुए। तेणु पिलामाने चलो ठिया हेबा एवं डेईबा आरंभ करिबा। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଉଭୟ ହାତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଓମକାରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓମ୍ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସାରା ଜଗତକୁ ଗୁଞ୍ଜାୟମାନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଧ୍ୱନିର ମହିମା ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ମାନୁଅଛି। ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନା କେବଳ ଶାରୀରିକ ବିକାର ଦୂର କରାଯାଉଛି, ଅପିତୁ ନିଶାର ଗର୍ତ୍ତରେ ପତିତ ଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେବାକୁ ଏହି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନରେ ବସିଯାଅ ଏବଂ ଓମକାରର ଗୁଞ୍ଜନ କର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଭୂମଧ୍ୟରେ ତିଲକ କିମ୍ବା ହାତର ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭୂମଧ୍ୟକୁ ଘଷିବା ବେଳେ ଓମ୍ ଗମ୍ ଗଣପତୟେ ନମଃ ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୟେ ନମଃ ତାପରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅଚ୍ୟୁତ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷୀ ସତ୍ଵ ରଜ ଏବଂ ତମଗୁଣର ରହିତ ଅଟନ୍ତି ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଏବେ କରିବା ଟଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ। ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ବେକକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ କର ଏବଂ ମନ ଭିତରେ କଣ୍ଠରେ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବା। ପୁଣି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ବେକକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ କର ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜପ କରିବା ଓମ୍ ହଂସମ୍ ହଂସ। ॐ हंसं हंस हंसं हंस ॐ 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 हंसं हंस।
साक्षी संग्रह। राम नाम को आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिकार। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं ओर, बसीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। असंतु सुनिबा कहानी। रामंक सेना को देखी अकबर चिंतित। थरे अकबर तांको मंत्री को कहिले, सुनिछि तुलसीदास हिंदू मानंकर भगवान श्री रामंक सह कथाबार्ता करुछंती, तांक द्वारा होइथिबा बहुत चमत्कार सुनिबा को मिलुछि, तुमे कौनसी उपाय रे तुलसीदास को एठाकु आण। मंत्री तुलसीदासंक निकटरे पहुँचिथिले। से गोस्वामी को कहिले, आपण हिंदू मानंकर भगवान श्री रामंकर परम भक्त। बादशाह अकबर आपणंकर चमत्कार शुणि बहुत खुशी, से आपणंकु भेटिबाकु चाहुछंती। दिल्लीरे पहुँचिबा परे अकबर ताकु उच्च सिंहासनरे बसाई सम्मानित कले। पुणि कहिले, मु शुणिछि जे आपण भगवानकु भेटंती, आपण बहुत चमत्कार मध्य करुछंती। संथ तुलसीदास कहिले, मुँ कौनसी चमत्कार करिबा जानी नाही, मुँ तो केवल प्रभुंक चरणरे निजकु समर्पण करिदेइछि। एहा सुनि अकबर उत्तेजित होइ कहिले, मते मध्य निज भगवानकर दर्शन कराओ, नचेत आपणंकु एठारु जिबाकु दिया जिवो नाही। पुणि से सैनिकमानंकु निर्देश देले, यांकु कारागारे रख, जे पर्यंत से किछि चमत्कार न क देखाइछन्ति से पर्यंत मुँ यांकु प्रकृत संथ बोली स्वीकार करिबे नाही। संथ तुलसीदासकु बंदी कर दियागला। से शांत चित्तरे बसी हनुमानंकर ध्यान करिवारे लागिले। हठात मांकड़मानंकर एक दल आसी चारियाडे उत्पात सृष्टि करिवारे लागिले। गच्छलता गुड़िकु उपाड़ी एठी सेठी फोपाड़िवारे लागिले। केतेक मांकड़ लोकंक नाक एवं कानकु कामुड़िबा आरंभ करिदेले, किंतु जेउमाने रामनाम जप करुथिले सेमानंकर कौनसी क्षति कले नाही। तापरे मांकड़मानंकर दल राजप्रसाद भितरकु गले, जेउठारे सम्राटक राणी माने रहुथिले। सेमानंकर अलंकार काढ़ी गरीब लोकमानंक मध्यरे बांटिदेले, सबु जिनिष छिन्न भिन्न करिदेले। अकबर भयभीत होइगले एवं तुलसीदास को क्षमा मागि कहिले, हे औलिया, मते जणा नथिला जे मु कोन करुछि, मु आपणंकु बहुत कष्ट देइछि, एथिपई मु लज्जित। तुलसीदास कहिले, श्री रामंक दर्शन तुमे करिबाकु चाहुथिलो ना, जेपरि सूर्य उदय समय रे सूर्यंक पूर्वरु सूर्यंक किरण आसे ओ सूर्य पर आसंती, सेहिपरि भगवान रामंक आसिबा पूर्वरु आगे तांक सेना आसीगला, भगवान राम पर आसिबे, भगवान तुम उपरे कृपा करिछंती। अकबर तुलसीदासंक पाद तले पड़ि कहिले, आपणंक भगवानक शक्ति विषय रे मोर धारणा नथिला, मते क्षमा करंतु, क्षमा करंतु। संथ तुलसीदास सेठारे एक वर्ष रही दिल्लीर लोकंकु निज सत्संग्र अमृत पान कराइथिले। जेउमाने भगवानक ठारे दृढ़ विश्वास रखंती सेमानंक सम्मान रक्षा करिबाकु भगवान कौनसी रूपरे अवतार नै निजर भक्तमानंकर रक्षा करंती। प्रश्नोत्तरी। अकबर तुलसीदासंकु काहिंकि बंदी कले? केउं चमत्कार देखि अकबर संथ तुलसीदासंक चरणरे क्षमा मागिले? पिलामाने तुमे तुमर उत्तरकु तळे दियाजैथिबा कमेंट बॉक्स रे दियो। कलिजुगरे भगवानक नामर महिमा अपार अटे। पिलामाने एही चतुर्मासरे चाल करिबा भगवानक नामर कीर्तन। Jaya Ram, Jaya Jaya Ram.
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि हरि ओ, 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 हरि हरि ओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्नतिर उड़ाण। जीए निजकु दिनहीन बोली विवेचना करे से दिनहीन हो जाए, एवं यार विपरीत जीए निजर दिव्य स्वरूप आत्मस्वरूपर ज्ञान पाए चिंतन करे तार स्वभाव एवं संस्कार रे दिव्यता भरी जाए। सफलता एवं विफलता मध्यरे अधिक पार्थक्य नहीं, जेउठारे विफलता मरी जाए बा शेष हो जाए सेहिठारे सफलतार जन्म हुए बा आरंभ होइथाए। ऋषि प्रसाद मार्च 2017। आसंतु जानिबा आम भारतीय संस्कृति अनुसार जन्मदिन किपरि पालन करिवे। बालकक आपण जन्मदिन पालन करिबा पई प्रबल आकांक्षा थाए एवं तांकठारे से दिन बहुत उत्साह थाए, किंतु आमे परतंत्र मानसिकता कारणरु सेही दिन मध्य तांक बुद्धिरे पाश्चात्यर छाप अंकित करी निज सहित तांक सहित एवं देश संस्कृति सहित बड़ अन्याय करूछ।
ବାଳକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ କେକ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ତଥା ବାଳକଙ୍କ ବୟସ ସଂଖ୍ୟକ ମହମବତୀ ସେହି କେକ୍ ଉପରେ ଲଗାଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇ ପୁଣି ଫୁଙ୍କି ଲିଭାଇ ଦେଉଛୁ। ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଆମେ କିପରି ଓଲଟା ଗଙ୍ଗା ବୁହାଉଛେ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା କଥା ସେଠାରେ ନିର୍ବାପିତ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ସେଠାରେ ଫୁଙ୍କ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଛେପରେ ଅଇଁଠା ହୋଇଥିବା କେକ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖାଉଛୁ ଏବଂ ଖୁଆଉଛୁ। ଗରିବଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଜନ କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରି ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଅଛୁ। କେତେ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଆମର ଅଧୁନାତନ ସମାଜ। ଆମେ ଏ ନିଷ୍ପାପ ବାଳକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଖାଇ ଇଂରେଜ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ସମ୍ମାନନୀୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏବେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ବାଳକର 11ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ହେବ, ତେବେ ଅଳ୍ପ ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ତାକୁ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ, ଅବିର, ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ରଙ୍ଗାଇ ସେଥିରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେହି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଉପରେ 11ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଦୀପ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 12ତମ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଦୀପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଘରର ବଡ଼ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଯିବା ପରେ ବାଳକଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଳକଙ୍କ ହାତରେ ଗରିବକୁ ଏବଂ ଅନାଥାଳୟରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରାଦି ବିତରଣ କରାଇ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗାଇ ସୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷ ଉପହାର ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଳକକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଦାନ କରାଇବା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଫଳତଃ ସେମାନେ ନେବା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ନ ହୋଇ ଦେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଆମେ ବାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଛଲତା ଲଗାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାବନା ସଞ୍ଚାର କରାଇବା ଉଚିତ। ବାଳକଙ୍କୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଗତ ବର୍ଷର କୃତ ସୁକର୍ମ ତଥା କୁକର୍ମର ହିସାବ କରାଇବା ଉଚିତ। ଯାହା ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାହା ଖରାପ କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରି ସନ୍ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଇବା ଉଚିତ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ା, ସାଧନା, ସତ୍କର୍ମରେ ସାଧୁତା, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ପରାୟଣ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ମାତାପିତା ଓ ଦେଶର ଗୌରବକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରାଇବା ଉଚିତ। ଉପରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମ ବାଳକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଭୌତିକ ରୂପେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିପାରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସୁବାସିତ ଫୁଲ କରିଦେଇପାରିବା ଯାହାର ସୁବାସ କେବଳ ଆପଣା ଘର, ପଡ଼ିଶା, ସହର ବା ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁବାସିତ କରିପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ ନା? ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ପେହଲି। ହରେ ହରେ ହେ ଇନ୍କେ ବାଲ୍, ଲମ୍ବି ଗର୍ଦନ ମୋଟି ଖାଲ, ପେର୍ ଇନ୍କେ ଜେସେ ଜାଲ, ଇହି ସେ ହାମାରା ଜୀବନ ଖୁସହାଲ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ତରକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ କରିବା ଗୁରୁଗୀତା ଶ୍ଳୋକର ପଠନ। ସୂଚନା: ଶିକ୍ଷକ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖାଇବେ। ୟସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜ୍ଞାନମ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ ସ୍ୱୟଂ ସହୈବ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିଃ ତସ୍ମାତ୍ ସମ୍ପୂଜୟେତ୍ ଗୁରୁମ୍। ଅର୍ଥ: ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ସମସ୍ତ ସମ, ଦମ ଆଦି ସମ୍ପଦା ରୂପ ଅଟନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତିରିଡ଼ା ଆଶ୍ରମର ବାଲ୍ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
श्रीमद् भगवद गीता एवं गुरु गीता श्लोकर पठन। मुना निराकार प्रधान ये मो भाई ओमकार प्रधान मु आपन को श्री गुरु गीतार किछि श्लोक सुनैबाकु जाउछि। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ्यम गुरु पादो दक पिबेत सूत सूत महाप्राज्ञा निगमागम पारग गुरु स्वरूपम अस्माकम सर्वब्रूहि मलापहम अचिंत्या व्यक्ति रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदा धारा धार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हरिओम मोना ओमकार प्रधान मु आपणकु मोर सात दिन अनुष्ठान रो शेष दिन रे किछि श्रीमद् भागवत गीतार श्लोक सुनैबाकु चाहुछि। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुनम् भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेषमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जान्ति परन्तप जेषां तन्तगतं पापं जनना पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मा दृढव्रता। हरि ओम शिरोकु देखि एहि मन्त्रकु एकैश थर पाठ कले ब्रह्मचर्यर सहजरे रक्षा होइथाय। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनस्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनस्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनस्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनस्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। कार्यकलाप शिक्षक पिलामानंकु तुलसी निंब अँला अश्वतथ इत्यादि औषधीय उद्भिदर पत्र देखान्तु। पिलामानंकु पत्र चिनाई ताहार नाम एवं उद्भिदर उपकारिता पिलामानंकु जणान्तु। ज्ञानयुक्त मजा कथा पिता निज पुत्रकु पचारिले पुओ परीक्षार विफल हेतु दुखित हुआ नहीं जहाँ भाग्य लेखा होता है हुए पुओ कहला ताहले यह बहुत भल है जे मु अध्ययन रे कठिन परिश्रम करी नचे मोर तो समस्त परिश्रम वृथा हो जाता तो एथिरो आमको कौन शिक्षा मिलला जे माने केवल भाग्य उपर निर्भर करती से माने खाली हाथ में रही जाती एवं जो माने निज पुरुषार्थ बल रे काम करती से माने कठिन रु कठिन कार्य को मध्य सरल कर दियंती। पिला माने एबे चल करिबा देवमानव हास्य प्रयोग ताली बजाई जोरे भगवानंक नाम नै दुई हात को ऊपर को नै हसिबा। सकाळु सकाळु जदि आमे हसिबा ताहाले अनिद्रा ओ मानसिक अवसादरु बंची जिबा। दुनिया जाकर वैज्ञानिक माने हसिबा उपरे बहुत अनुसंधान करी पाइले जे एक मिनिट रो मनखोला हस 45 मिनिट पर्यंत विश्राम रो ऊर्जा दिए। पूज्य बापूजी मध्य कहते खुशी ठू बड़ी किछी नहीं एवं चिंता ठू बड़ दुख नहीं। पिला माने जब सकाळु बिछणारु उठी हसंती तो दिन जाको पाई निजर बैटरी को चार्ज कर दियंती। तो आसंतु करिबा देवमानव हास्य प्रयोग।
राम 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 हरि 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 स्वास्थ्य सुरक्षा दुईटी मिठा विष रंग बेरंग पैकेट रे बिक्री होइथिबा मिठा सुपारी को जेउ माने निरापद बोली भावंती ताहा किपरि तयारी हुए ताहा से माने जानिबा उचित सेगुडी को तयारी करिबा पई कंचा सढ़ा नष्ट हो जाइथिबा गुआ को साकरिन पिपरमेंट रंग एवं कृत्रिम सुगंध इत्यादि सहित मिश्रण करा जाइथाय जहां शरीर पर अत्यंत क्षतिकारक अटे यार निरंतर व्यवहार द्वारा हृदघात रक्त कोलेस्ट्रॉल परिमाण वृद्धि कर्कट पेटरे कृमि अंतःनाली रे गंठी इत्यादि भयंकर रोग हो पारे यह व्यतीत दांत नष्ट हेबा धमनी एवं टनसिल रो क्षति जंडिस कोष्ठकाठिन्य पेट यंत्रणा भोक न हेबा सर्वदा शुष्कता जीभ मोटा हेबा खना इत्यादि रोग हो पारे लंडन रो सर्च हॉस्पिटल रो डाक्तरों को कहिबा अनुसार एपरी आशंका प्रकाश करा जाउची जे मिठा सुपारी रे किछि प्रकार रो मादक पदार्थ मध्य मिश्रित होइथाय जेउथि पई थरे सुपारी खाइले बारंबार खाइबाकु इच्छा होइथाय पिल्ला माने पसंद करथुबा अन्य एक जिनिस हेउची च्युइंगम चॉकलेट वैज्ञानिक अध्ययन रु प्रमाणित होइची जे अत्यधिक च्युइंगम खाइले केवल दांत को क्षति पहुंचाए नहीं बर मनुष्यर रक्त एवं परिस्रारे पारदर स्तर विपदपूर्ण परिमाण पर्यंत बढ़ी जाए विशेषज्ञों अनुजाई रक्त एवं परिस्रारे पारदर स्तर बढ़ा द्वारा मस्तिष्क केन्द्रीय स्नायु प्रणाली एवं किडनी क्षतिग्रस्त होता है तेणु मीठा सुपारी एवं च्युइंगम यही दुईटी ठारु दूरे रहा भल स्वाद लोलुप हो कहीं तुम स्वास्थ्य नष्ट तो पाने आज पर सुपारी एवं च्युइंगम एगुड़ा केबे भी खाइब ना पाने केमी लगला आज आमर बाल संस्कार केन्द्र वीडियो पाठ्यक्रम आमे माने प्रति सप्ताह एही दिन एही समय रे भेटिबा आपण मानंकु केमिति लागिला आपण माने ईमेल व्हाट्सएप किंबा फोन द्वारा कहि परिबे हमर ईमेल आईडी हला bskamd@gmail.com एवं व्हाट्सएप नंबर 7600325666 आम फोन नंबर हला 0793987749 किंबा 50 किंबा 51